सिविल अस्पताल कुंची में कॉलवेज पर चलने वाली बोलेरो वाहन मालिक विजय बघेल से बीपीएम प्रभारी जयंतीलाल खन्ना को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उनके पास से 8,000 रुपए की राशि जो पहले दे दी गई थी, खन्ना द्वारा बघेल को यह दबाव लगातार बनाया जा रहा था कि राशि नहीं मिलने पर सितंबर माह के बाद गाड़ी का हिसाब पूर्ण करके उसे बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस ने संपूर्ण कागजी कार्यवाही कर ली है और आरोपी खन्ना को जमानत पर छोड़ दिया है। मेरी गाड़ी जो है 3-4 सालों से यहाँ चल रही है, तो पहले तो वैसे कोई पैसों की कोई डिमांड नहीं हुआ करती थी। अपना जो भी है मंथली का अपना एवरेज रहता है कि मतलब मंथली में 20,000 का टारगेट रहता है कि 20,000 की गाड़ी अपने को चलानी है बस। अब उसमें कभी ये भी होता है कि 10,000 का भी बिल बनता है, कभी 12,000 का बनता है, कभी 16,000 का। तो पैसे पैसे नहीं लिया था, पर ये जब से जो खन्ना साहब आए हैं तो इन्होंने मतलब अभी 6-8 महीने पहले से पैसे लेना चालू करा। अभी 3-4 महीने के पहले मैंने भी उनको कम से कम 8-9 हज़ार रुपये कैश दिया था घर पर। फिर उसके बाद फिर उनका 1 महीने का 3,000 और 1 महीने का 1,500 ऐसा करके 4,500 की डिमांड और करी उन्होंने। फिर जब मैं बिल लगाने आया तो उन्होंने बिल के उस पर मेरे 14,000 के बिल पे 5,600 रुपये की डिमांड करी। मतलब उन्होंने कहा कि टोटल एक काम करो, 10,100 रुपये मुझे आप दे दो तो मैं बिल पास करवा दूँ। तो फिर मैंने आज फिर 29 तारीख को लोग कंप्लेन करी जय बघेल ने गाड़ी ऑन कॉल सिविल अस्पताल कुछी में लगाई गई थी, जिनके बिलों के भुगतान ब्लॉक प्रोग्रामिंग मैनेजर जयंतीलाल खन्ना से मिला तो उन्होंने बिलों का भुगतान करने के लिए 10,100 रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायत का सत्यापन किया गया, शिकायत सही पाया गया। अगर आज रेट 10,000 रुपये जयंतीलाल खन्ना को उनके कार्यालय कक्ष में रंगे हाथ गिरफ्तार किया, पकड़ा गया।